आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं उमानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा अमेजिंग, एकदम डिफरेंट वीडियो आज आप लोगों के लिए फिर से मैं लाया हूँ। आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में। ये देख सकते हैं तरह तरह की मशीनरी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो आप लोग को न्यू बिजनेस आइडियाज के बारे में मैं हमेशा बताते रहता हूँ। तो ये भी एक लघु उद्योग का बिजनेस आप लोगों के लिए यहाँ पर होने वाला है। आप लोग घर बैठे काम शुरू कर सकते हैं यार और अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी मशीनरी का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि पाउच पैकिंग मशीन हो गई, कुरकुरे मेकिंग, नमकीन मेकिंग, चिप्स मेकिंग, बहुत सारी मशीनरी का ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हैं कितनी बड़ी फैक्ट्री है, अनगिनत मशीनों का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। तो मैं आया हूँ अभी रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन पे, इनकी लोकेशन पड़ती है नोएडा में। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पर यहाँ के ओनर से और देखते हैं कि इस बार हमको कौन सी मशीन वो दिखा रहे हैं और सारी डिटेल सारी प्राइसिंग वगैरह बताता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऑफिस के अंदर और यहाँ पे मिलते हैं सर से। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो सर, आप बताएं कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम साबिर खान है सर जी, और मैं नोएडा सेक्टर 10A35 से बोल रहा हूँ। मेरी फर्म का नाम है रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन जी, जो 35 सेक्टर 10 नोएडा में स्टेब्लिश है। मैं फूड प्रोसेसिंग की मशीनें बनाता हूँ, जैसे कि कुरकुरे की हो गई, चिप्स की हो गई, नमकीन की हो गई, पफ की हो गई, बेकरी की मशीनें हो गई, जैसे बिस्कुट बनते हैं, और अपना टोस्ट की मशीनें हो गई, मैक्रोनी पास्ता हो गया, या नूडल्स की मशीनें हो गई, और बेसिकली पाउच पैकेजिंग मशीनें सभी तरह की हम लोग बनाते हैं। मतलब नमकीन बनाने का भी दे रखा है और पैकिंग करने का भी दे रखा है। हमारे पास कंप्लीट सेटअप होता है, फूड प्रोसेसिंग से बनाने से लेके पैकिंग तक का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है अपने पास। अच्छा जी, तो मतलब सारी मशीन भी आगे खुद की मैन्युफैक्चरिंग की दे रखी जी है। जी सर, कोई बंदा अगर हमसे जुड़ता है जी, तो हम चाहते हैं कि एक ही टेबल पे उसका सारा सॉल्यूशन हो जाए। बिल्कुल सर, इसलिए हमारे पास पूरी टीम है जी। हम रॉ मटेरियल से लेके रैपर, प्रिंटिंग और क्वालिटी मेंटेनिंग के लिए स्पाइसेस और ट्रेनिंग के लिए बंदा, फॉर्मूला सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जो चाहिए होता है ए टू जेड सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ जी सर। तो इस वीडियो में हम सर क्या दिखा रहे हैं अभी? देखिए अभी मैं आपको कंपनी में दिखा देता हूँ पैकेजिंग मशीन का, किस तरह से वर्क करती है पैकेजिंग मशीनें और ये कितनी स्पीड है, किस तरह की मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, ये मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। और अभी चलते हैं आपको मशीन का लाइव डेमो दिखाते हैं। तो कोई भी अगर घर बैठे काम शुरू करना चाहे तो इस मशीन से कर सकता है सर, स्टार्ट कर सकता है ना? देखिए सर ये सिंगल फेस मशीन है जी, इजी ऑपरेट मशीन है, आप इसे घर पे भी यूज कर सकते हैं, घर में लगा के आप अच्छा खासा बिजनेस अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं जी। ये पैकिंग मशीन है, इसमें आप 100 से 150 तरह के प्रोडक्ट पैक कर सकते हैं जी, और घर पे ही आप अपना बहुत अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोग नमकीन खाते हैं ये देख सकते हैं, तो इसको बनाने की और पैकिंग करने की मशीन आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ये देख सकते हैं। तो इसकी वर्किंग सर अगर मैं बात करूं तो किस तरह से होती है? देखिए मैं दिखा देता हूं, ये कंप्लीट मशीन है, ये इसका पैनल है मशीन का जी, ये मेन स्विच है, ये मोटर स्विच है, कंप्लीट हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल सब लगे हुए इसमें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सीलर, वर्टिकल सीलर के साथ है मशीन जी। अब हम इसको ऑन कर देते हैं, इसको चलाने के लिए कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है, जो एयर से ये सिलेंडर ऑपरेट होते हैं। ओके, अब हम इस मशीन को चलाने जा रहे हैं, किस तरह से ऑपरेट होती है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से पूरा माल इसके अंदर भरता है और ये पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है, ये देख लीजिए, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जितने का प्रोग्राम हम डालेंगे उतने का ये ऑटोमेटिक लड़ी काट के निकालती रहेगी। अच्छा, ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन हो गई, इसमें जैसे कितने की लड़ी हमको काटनी है वो लड़ी ऑटोमेटिक काटेगी, पाउच में कितना वजन चाहिए हमको उतना वजन भरेगी मशीन। अच्छा, और हमको पाउच के ऊपर MRP डेट ये डालना है वो भी डालेगी मशीन, वो भी डालेंगे, और 10 ग्राम से 250 ग्राम इसकी कैपेसिटी है। अच्छा, और एक घंटे में 2,800 से 2,000 पैकेजेस पैक करती है। एक घंटे में 2,000 पाउच पैक कर देगी जी। अरे वाह, ये देखिए अभी हमने 10 की लड़ी डाली हुई है, तो 8-10 के पाउच पे ऑटोमेटिक काटती रहती है जितना भी हमको चाहिए। देख सकते हैं क्वालिटी आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कुछ भी सामान वगैरह नहीं पड़ा है, सिर्फ एयर है, ये देख सकते हैं, और कितना भी आप दबाएंगे तो एयर निकलने वाली नहीं है यहाँ से। काफ़ी अच्छी मशीन दे रखी है, देख सकते हैं कितना फास्ट इसकी वर्किंग है। जैसे नमकीन का साइज अलग होता है, नमकीन का रोल अलग होगा, कुरकुरे का अलग होगा, मसाले का अलग होगा, पफ का अलग होगा, तो सबके साइज के हिसाब से रोल होते हैं। अगर किसी बंदे को रेडीमेड रोल चाहिए वो रेडीमेड रोल भी हम प्रिंट करवा देते हैं, किसी बंदे को अपना ब्रांड बनवाना है अपने नाम से चाहिए रैपर बिल्कुल वो भी हम बनवा देते हैं। अच्छा, उनको मसाले चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं, सारा कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये रोल है ये राउंड करता है, डिजाइन देता है, और पीछे इसके रॉ मटेरियल पड़ा रहता है, तो इसमें आपका प्रॉपरली जितना भी आपकी मेजरमेंट होती है वो इसमें डल करके
इस तरह से पूरा पैक होता है, देख सकते हैं दोस्तों। और सर क्या क्या अटैचमेंट लगता है इसके साथ, अगर बात करूं मशीन की? ये न्यूमेटिक मशीन है, इसको चलाने के लिए कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। 300 पाउंड 2 HP का कंप्रेसर इसमें रिक्वायर्ड रहेगा जी। कंप्रेसर का पाइप जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए, बाकी मशीन बटन दबा दीजिए, मशीन ऑपरेट, इजी टू ऑपरेट है ये। इजी टू ऑपरेट है, मतलब किसी टेक्निकल बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है जी। नहीं, जैसे घर में लेडीज वगैरह होती है तो भी चला सकती है, ऑपरेट कर लेती है। ओके, इनके साथ साथ मशीनरी होती है, इसकी एसेसरीज होती है, कंप्रेसर होता है बस ये इसमें। अच्छा, कंप्रेसर जो आप अटैच किए हैं बाइक के साथ वो भी देने वाले हैं। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों, आप घर बैठे इस पाउच पैकिंग मशीन से आप कई चीजें इसमें पैक कर सकते हैं और अपना छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं यार, और महीने के काफी अच्छी आप इनकम कर सकते हैं बेसिकली इस मशीन को लगा करके। और अगर मैं स्पेस की बात करूं तो कितनी स्पेस में ये होने वाला है सर? देखिए सर, मैं बता देता हूं, ये पाउच पैकिंग मशीन है। हाँ। इसका काम है पाउच पैक करने का, पैक करने का। इसमें कोई भी प्रोडक्ट आप डाल दीजिए, चाहे वो 100 टाइप के हो चाहे 150 टाइप के हो, उतने प्रोडक्ट इसमें डाल दीजिए, ये पैक करके निकालती रहेगी। ठीक है जी, इसको आप घर में भी यूज कर सकते हैं, इजी टू ऑपरेट मशीन है ये। मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इसी मशीन की है क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हर बंदे की पहुंच तक है ये मशीन। ओके, अगर मैं पावर कंजम्पशन की बात करूं तो 1 घंटे में कितनी पावर कंज्यूम करती होगी? 1 घंटे में सर ये 2 यूनिट लेती है। 2 यूनिट सिर्फ? सिंगल फेस मशीन है, 1 घंटे में 2 यूनिट का इसकी खपत। क्या बात है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं सर, तो ये क्या प्राइस होने वाली है अपने पास? देखिए सर, 1,60,000 रुपए की मशीन है और 20,000 रुपए का इसमें कंप्रेसर लगेगा, टोटल 1,80,000 का सेटअप है ये। इस मशीन के साथ साथ आप काफी तरह की मशीनें बनाते हैं। ओके, पाउच पैकिंग में भी काफी तरह के मॉडल है अपने पास, बाकी प्लांट भी बनाते हैं, कुरकुरे चिप्स नमकीन पफके बनाते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपनी वर्कशॉप में क्या क्या हम बना रहे हैं। ये सब प्रोडक्ट बनाने के प्लांट भी हैं अपने पास और इन सबको पैक करने की मशीन भी अपने पास। क्या बात है, ये कंप्लीट सेटअप होता है हमारे पास। कुरकुरे चिप्स, ये देखिए नमकीन वगैरह जो भी आप लोगों को चाहिए, सबकी मैन्युफैक्चरिंग की मशीन आप लोगों को सर के पास मिलने वाली है और पैकिंग का भी ऑप्शन आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पर। तो मशीन अभी आपने वर्किंग पोजीशन में देखी है, देखिए सर उस तरह की मशीनें सब बन रही हैं अभी जी जी, जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है अभी, चल रहे हैं इनमें, वर्किंग चल रहा है। की काफी बड़ी फैक्ट्री दे रखी है यहाँ पर, हर तरह की मशीनरी का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। ये मशीन सर इसको कॉलर टाइप मशीन बोलते हैं। ये 10 ग्राम से 1 kg तक ये पैक करेगी। अब प्रोडक्ट के ऊपर है कि प्रोडक्ट क्या है उस हिसाब से ये पैक करेगी। जैसे अगर स्नैक्स आइटम है तो 10 ग्राम भी पैक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और कोई हैवी आइटम है वो 1 किलो तक ये पैक कर देगी। ठीक है, इसकी स्पीड होती है 1 घंटे में 4,000 पैकेट। अच्छा जी, क्या बात है, ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो ये सारी सर की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट हो, हर तरह का आप लोगों को यहाँ पे माल मिलने वाला है। इसको परफेक्ट शूटर बोलते हैं जी। इसमें रिंग, स्टार पफ, पोला, काजू, चीज वॉल, कचरी, सब तरह के प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। अच्छा, ये मशीन आज डिस्पैच हो रही है मुरादाबाद के लिए, तो इसमें काम हो रहा है। ये पूरे प्लांट है इधर देखिए, जो मशीन हमने चला के देखा था वो पैक हो चुकी है, अब गाड़ी में लोड। इस तरह से आप लोगों की पूरी पैकिंग होने वाली है, रैपिंग करके पूरी पैकिंग करते हैं ताकि पानी वगैरह कहीं से एंटर ना करे। इसके बाद पूरा कार्टन वगैरह से पैक होता है, उसके बाद फिर ये डिलीवर होता है। तो पूरी सेफ्टी के साथ ये मशीन जाती है आपके पास। यहाँ पे इस तरह से पूरा काम चलता रहता है मशीनों का, ये देखिए आप लोग, ये 2-in-1 एक्सट्रूडर है, इसमें कुरकुरा भी बनता है, पफ भी बनता है। अच्छा, अपने पास सिंगल तरह की भी मशीन होती है, डबल भी होती है। तो काफी बड़ी बेसिकली फैक्ट्री होने वाली है। ये कौन सी मशीनरी होगी सर? ये रोस्टर मशीन बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें जो पफ आइटम बनाते हैं उसको रोस्ट किया जाता है। ओके, इसमें एलिमेंट लगे होते हैं जी जी। ये फ्रायर हो गया। हाँ। इसमें नमकीन चिप्स कुरकुरे को जो फ्राई किया जाएगा। अच्छा अच्छा, जो पैकेजिंग मशीन है या कुरकुरे की मशीन है उनके पार्ट बन रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों की अपनी मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडिंग का काम नहीं, ट्रेडिंग का काम नहीं है, सर का खुद का काम दे रखा है, देख सकते हैं दोस्तों। पूरा रॉ मटेरियल वगैरह मशीनरी जैसी आप लोगों को चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलने वाली है। ये चिप्स की मशीन है। अच्छा, ये पोटैटो स्लाइसर हो गया। ओके, ये कंप्रेसर है जो पैकिंग मशीन के साथ दिया जाएगा जी जी जी। ये एयर ड्रायर हो गया जो पाउच में नाइट्रोजन डालते हैं। मलनी मशीन हो गई। ओके, इधर देखा तो ये आपका नमकीन की मशीन हो गई। तो मतलब मैं कहूँ कि फूड से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी चाहिए मशीन, मसाले का ड्रायर, कुछ आपके पास मिलने वाली है, कंप्लीट सेटअप अपने पास होता है सर। तो सर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ, जैसे भी आप लोगों को मशीनरी की रिक्वायरमेंट हो सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा आप लोगों के लिए। जो आपने मशीन देखी है उनके जो पार्ट बने हुए हैं उनको यहाँ पे असेंबल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर वो मशीनों में फिट हो जाते हैं। ओके सर, ये मसाला मिक्सर है जी। कोई भी स्नैक्स अगर हम लेते हैं तो उसको मसाला मिलाया जाता है इनों में डाल। अच्छा अच्छा, तो आपने सर की फैक्ट्री देखी, कितनी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे दे रखी है। मान लीजिए कोई 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट करके इन मशीनरी को लेता है तो इससे वो कितनी इनकम कर सकता है मंथली की? देखिए सर, मैं बता दूं, इस मशीन को आप घर पे लगा के 5 से 6 घंटे काम करके डेली के 5 से 6 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। डेली के। अरे वाह, तो महीने के अगर मैं मान लूँ तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। तो मतलब 1 महीने में पूरी इसकी मशीनरी की कॉस्ट निकलने वाली जी, है जी, बिल्कुल। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोगों को बिजनेस वाइज दे रखा है ये।
और इसकी वारंटी गारंटी क्या होती है सर? सर इस मशीन की एक साल की वारंटी होती है। एक साल की है। इसमें कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाए मैकेनिकल आपको एक साल तक जॉब पर चेंज होगा। अच्छा। और इलेक्ट्रिक आइटम की कोई वारंटी नहीं है। अच्छा, उसकी कुछ नहीं है जी। मान लीजिए सर कोई मंगवाता है इसको तो इंस्टॉलेशन वगैरह आप सब करवा के देते हैं? अगर इंडिया के किसी भी कोने में आप इस मशीन को मंगवाते हैं जी तो उसके लिए पूरी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा है। जैसी मशीन पहुंच जाए हमारे ऑपरेटर हैं जो हमेशा फील्ड में दौड़ते रहते हैं। ठीक है। जैसी मशीन पहुंच जाए आप हमें कॉल कीजिए, हमारा बंदा जाएगा मशीन को इंस्टॉल करके आएगा, 2 से 3 दिन आपके पास रुक के ट्रेनिंग दे के समझा के आएगा आपको पूरी तरह से। मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कीजिए, 90% कोशिश होती है कि हमारी फ़ोन पर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होती है फ़ोन पर सॉल्व, कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट आ गया आपका सिर्फ आने जाने का चार्ज लगेगा, बाकी सर्विस चार्ज कोई नहीं लगेगा, बंदा जाके करके आएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को मशीन का ऑप्शन दिखाया यार, तरह तरह की आप लोगों को मशीनरी मिलने वाली है। तो किसी को भी अपना काम शुरू करना हो, बिजनेस सेटअप करना हो तो आप लोग यहाँ से माल मंगवा सकते हैं यार। और दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए, सारी जानकारियाँ सारी डिटेल्स आप लोगों को मिलेंगी यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक दबा दिया करो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। और जो भी मेरे चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबाते क्यों नहीं हो यार, दबा दिया करो। उसके बगल में घंटी का ऑप्शन होता है तो 10 करके उसको मार दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।